नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिल्ली में भाजपा की हार का मुख्य कारण कहा कि सबसे अधिक सीट लेकर भाजपा के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इधर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत का कारण लोगों को मुफ्तखोरी का आदत लगाना भी है। आम जनता की आदत बिगाड़ने के आम आदमी पार्टी ने सारी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराई, यह भी एक वजह है भाजपा को भारी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके मंत्री अनुराग ठाकुर ने गद्दारों को गोली मारने की कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी उस तरह का कोई घोषणा नहीं किया था, उस तरह का नारा दिया है जिससे दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम लोगों का भी नुकसान हुआ है। जो देश के गद्दार हैं वह तो ठीक है, लेकिन गोली मारना, उस तरह का बयान देना ठीक नहीं था। NH 82 डोभी पटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को हालात है, इसको देखते हुए उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर जल्द इसकी निर्माण पूर्ण कराने की आश्वासन दिया है। बताया कि 110 किलोमीटर की दूरी सवा घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो अभी हालात है 5-6 घंटे में पटना से गया की दूरी तय हो रही है। रिजर्वेशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन हर हाल में जारी रहेगा। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। एक साल भर से लोगों को बिजली का बिल नहीं आ रहा था, पानी का बिल नहीं आ रहा था, मेट्रो फ्री थी, बस फ्री थी, इसलिए मतलब लोगों ने उनको उनके तरफ से ज़्यादा उनको सफलता मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी मतलब 40% वोट में मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत कम वोटों से BJP के कैंडिडेट हार गए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ी ज़्यादा वोट लेती थी तो यहाँ BJP की 40 के ऊपर सीटें आने वाली थी, लेकिन केजरीवाल ने जितना भी मतलब उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल वोट नहीं खाया, ले लिया, और इसीलिए मतलब BJP की हार हुई है। सर, दिल्ली की हार जो NDA की हुई है उसके लिए क्या किसको जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार का विषय नहीं है। अभी लोगों ने उनको अगर एक्सेप्ट किया है तो मान्य करते हैं, जो मैंडेट है उनको हमारी बधाई है। लेकिन BJP ने भारी कोशिश की थी, तो मैंने जो दो कारण बताए कि BJP का वोट परसेंटेज बड़ा है, बहुत कम वोटों से BJP के कैंडिडेट हार गए हैं, हर जगह पर BJP के कैंडिडेट सेकंड में है, इसीलिए मुझे लगता है कि हार के लिए कोई जिम्मेदार का विषय नहीं। हार के लिए BJP के हार के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा वोट लिया, वो सत्ता में आया। सर, एक से स्टेट में लगातार हार हो रही है, क्या कोई रणनीति बदलने के अवसर नहीं? रणनीति की बदलने की विचार होना चाहिए, मतलब ये जो जिस तरह लोकल के इशू पर हार हो रही है, नरेंद्र मोदी की तरफ देखकर बिल्कुल हार नहीं हो रही है, क्योंकि लोकसभा में